सीमा हैदर और सचिन का मकान बनकर तैयार हो गया है। आइए हम लेके चलते हैं और दिखाते हैं सीमा हैदर का नया कमरा, जो कि ये वही कमरा है। यहाँ पर जो उनके वकील हैं एपी सिंह जी, वो भी मौजूद हैं और सीमा जी भी मौजूद हैं और अन्य लोग आए हुए हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं। तो आप देख सकते हैं ये वही कमरा है जो खुद दोनों ने मेहनत करके बनाया है, और एक वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें सीमा और सचिन बाकायदा उसमें मजदूरी करके मेहनत करके इसको बनाते हुए नज़र आ रहे थे। तो इस पूरे मामले पर बात करते हैं हम सीमा जी से पहले, और डॉक्टर साहब से बात कर लेते हैं पहले। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे आज सीमा हैदर का और सीमा सचिन मीना। ये घर है सीमा सचिन मीना का, मीना समाज का, सपनों का घर है। सीमा उनकी बहू है मीना समाज की, सचिन उनका मीना समाज का बेटा है, सनातन धर्म ग्रहण किया, इसलिए सीमा सचिन मीना बहुत अच्छा लगता है। और आप यहाँ लोग आए, और मैं देश के तमाम गुवाहाटी से चौपाटी, कन्याकुमारी से कश्मीर तक, कटक से कटक तक के सभी धर्म, जाति, क्षेत्र, भाषा और संप्रदाय के लोगों का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ कि वो जिस तरह से सीमा सचिन मीना के परिवार को तन से, मन से, धन से सहयोग कर रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, साथ दे रहे हैं, समर्थन दे रहे हैं, हम उनके धन्यवाद पात्र हैं। इसी तरह से वो अपना सहयोग, इसी तरह से अपना तन मन धन से साथ देते रहें। सीमा सचिन मीना कभी भी उनके मान सम्मान को झुकने नहीं देगी, कम नहीं होने देगी, उनके मान सम्मान के आदर को बढ़ाएगी। उन्हें लगेगा कि अगर उन्होंने सीमा सचिन मीना को प्यार किया है तो ये प्यार की दासना भी बहुत दूर तक बहुत लंबी जाएगी। सर इस मामले पे जांच चल रही है और नागरिकता की भी आप बात कर रहे हैं, तो वो केस कहाँ तक? देखिए, देश के महामहिम राष्ट्रपति जी के हमने याचिका लगाई हुई है, माननीय गृह मंत्रालय से उन्होंने रिपोर्ट मांगी हुई है, ATS जांच कर रही है। हमें उत्तर प्रदेश सरकार पर भरोसा है, उत्तर प्रदेश की पुलिस ATS जांच पर भरोसा है, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री महाराज जी पर भरोसा है, भारत सरकार पर भरोसा है, और हमें देश के महामहिम राष्ट्रपति, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सभी न्यायिक संवैधानिक संस्थाओं पर पूर्ण रूप से मुझे और सीमा सचिन मीना और उसके परिवार को पूरा भरोसा है, और हमें विश्वास है कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। SS टू जस्टिस फॉर ऑल, न्याय सबको मिलते हुए देश ने दिया है, तो सीमा को भी इस देश में न्याय मिलेगा। तो सीमा जी भी हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं इस पूरे मामले पे। सीमा जी, पहले तो आपको नए घर की बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। कैसा देखती हैं अभी नया? हमारा घर है ये, और मेरे सपने का घर है, मेरे और मेरे पति का घर है, हमने मिल के बनाया है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और चार चांद मेरे भाई ने आके लगा दिए हैं, तो मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि डॉक्टर APC सिंह जैसे फरिश्ते मुझे भाई मिले हैं, महान इंसान, तो मैं बहुत खुश हूँ। बिल्कुल। कितना समय लगा इसको तैयार करने में? हमें ये जन्माष्टमी के बाद से हमने कमरा शुरू करा था बनाना, तो अब तक लगभग अभी मतलब 7 दिन पहले ही बन गया कमरा मेरा, तो उसके बाद ये डेकोरेशन में थोड़ा टाइम लग गया और अब उद्घाटन हुआ है। तो आज गृह प्रवेश कराया है, किसने कराया है, कौन कौन लोग साथ हैं? पहले तो पूरा मीडिया था और बहुत सारे लोग थे, हमारा परिवार था, डॉक्टर APC सिंह मेरे भाई थे और ये सब लोग थे, मनोज भैया भी थे, आशीष भैया भी थे, सब लोग आए, सबका धन्यवाद और अच्छा लगा बहुत जी। और भी हमारे साथ लोग हैं यहाँ सीमा जी के कमरे में बैठे हुए हैं, आइए जानते हैं, उनसे भी बात करते हैं। सर आप आए हैं, सीमा जी का घर में प्रवेश कराया है, क्या कहेंगे? मैं ठाकुर जोगेंद्र सिंह भदौरिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय संपूर्ण क्रांतिकारी पार्टी। मुझे बहुत अच्छा लगा कि सीमा जी इस भारत में है, भारत ने सीमा को अपनाया, सीमा भारत का है, सीमा ने एक नारा दे रखा है, भारत महान था, भारत महान है, भारत महान रहेगा। मैं संपूर्ण देशवासियों से कहता हूँ, जिस तरह से सीमा ने भारत को अपनाया है, इसी तरह से आप लोग भी सीमा को अपनाएं और सीमा के साथ रहें। और ये इस तरह की शुभकामनाओं के साथ मैं सीमा को बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ कि पूर्व में रसखान जी आए थे और कृष्ण की भक्ति में रम गए और यहीं रह गए, और रसखान का नाम जो है वो खान खाना से रसखान हो गया। इसी तरह से सीमा जी आई हैं भगवान की कृष्ण की भक्ति के साथ साथ, और ये निश्चित रूप से जो है एक नई परिभाषा देंगी प्रेम की भगवान कृष्ण के साथ, जो सचिन के रूप में इन्होंने स्थापित किया है।
सीमा जी से बात करते हैं, नवरात्रे चल रहे हैं, नवरात्रे में गृह प्रवेश किया है। सीमा जी, आज तीसरा शायद नवरात्रा है, तो आपने कैसे विधि विधान के साथ पूजा की होगी, उसके बाद गृह प्रवेश किया होगा, तो क्या क्या आज पूरा घटनाक्रम रहा? आज सुबह हमने माता चंद्रघंटा जी की पूजा करी सुबह उठ के, तो उसके बाद ये तो काम वाम करा, जैसे भैया आने वाले थे इस खुशी में, पूरा गली वहाँ तक रोड तक हमने कालीन बिछवाए, फूल लगवाए, ताकि हमारे भैया आ रहे हैं और बहुत दिनों के बाद आ रहे थे, तो इसलिए बड़ी तैयारी करी हमने। इसके बाद मीडिया वाले आए, भैया आए, उसके बाद ये सब चल रहा है। आज शायद आप व्रती भी हैं? बिल्कुल, मैं व्रती हूँ और 9 दिन रहूँगी पूरे जी। और अभी भारत पाकिस्तान का मैच हुआ था, आपने बधाई दी थी भारत को जीतने पर, और आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी बधाई दी थी, तो किस तरीके से उस मैच को देखा था आपने? मैच जिस तरह, मतलब ये मैच तो मतलब एक तरफा ही हो गया था, उन लोगों ने बुरी हार हारी पाकिस्तानियों ने, तो भारत की जीत हुई, बहुत अच्छा लगा मुझे। और भारत देश में लखनऊ में इधर मैच था, तो बहुत अच्छा और लगा। तो ये थी सीमा हैदर, जिन्होंने बताया कि जो मैच के बारे में बताया और अपने इस नए घर में जो प्रवेश किया उसके बारे में बताया। ग्रेटर नोएडा से यूनुस आलम, नाउ नोएडा न्यूज़।